बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी फोर क्लास, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है फोर क्लास, उसकी स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। कहते नीचे जो दिए गए नंबर्स हैं, देखें बताएं इनमें से कि कौन से नंबर जो है ये को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम के लिए मैं आपको सबसे पहले, अब आपके जहन में ये आता होगा कि को प्राइम कौन से नंबर हैं, तो को प्राइम के लिए मैं आपको बताते चलूं कि ये कौन से नंबर हैं। इसके लिए आप डेफिनेशन इसकी करने के लिए पेज नंबर 24 आए। जी पेज नंबर 24 जो है, वहां पे जो आपको ये येलो बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें उन्होंने को प्राइम नंबर के बारे में बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी मेन डेफिनेशन बता रही हूँ। को प्राइम नंबर के लिए जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, शॉर्ट में जो है वो आपको मैं बकरवा रही हूँ। टू नंबर, सबसे पहले टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। जी टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जी ये जो है ये एक लाइन की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने को प्राइम की ये आपने याद करनी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं दोबारा से आपको बता देती हूं, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन फैक्टर, ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। कहते हैं अगर दो नंबर हो और उनमें एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कौन सा कॉमन फैक्टर हो, वन, तो इसे हम किसका नाम देंगे, को प्राइम का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे कि फैक्टर ऑफ टू, टू के फैक्टर कौन कौन से हैं, वन एंड टू। फैक्टर्स ऑफ थ्री, तो फैक्टर ऑफ थ्री जो है उसके कौन से हैं, वन एंड थ्री। तो अब इसमें जो कॉमन हमारे पास एक इसका जो कॉमन फैक्टर इसमें हम ले रहे हैं वो क्या है, सिर्फ वन है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब आए अपने एक्सरसाइज की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चूज किया आपको समझाने के लिए, एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिया है और एक मैंने एच लास्ट में। जी तो क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें उन्होंने कहा है 3 एंड 5। कहते 3 एंड 5 बताएं कि ये जो है 3 एंड 5 ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम राइट करेंगे फैक्टर ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3। जी 1 एंड 3, उसके बाद हम बात करेंगे 5 के लिए फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5। जी 5 और 3 जो है इनके हमने फैक्टर यहां फाइंड कर लिए हैं फैक्टर्स। और अब ये देखें कि अब यहां पे जो कॉमन है, कॉमन क्या है, सिर्फ इनमें 1, दोनों में 1 जो है कॉमन है, इसके अलावा कोई और फैक्टर जो है, नंबर जो है कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम यहां पे फिर राइट कर सकते हैं 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर। जी ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ए जो है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड की, जो कि एच है। सेकंड में जो समझा रही हूं वो है एच पार्ट इसका, उसमें है 5 एंड 10। जी फैक्टर ऑफ 5 जो है वो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने ऊपर भी आपको बताया है, फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5। फिर इसी तरह से हम फैक्टर ऑफ 10 की बात करेंगे, हमने ये चेक करना है कि क्या ये भी को प्राइम है कि नहीं। फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद 10 जो है ये 2 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, जी 2 5 जा 10, उसके बाद 3 के साथ नहीं होता, 4 के साथ भी नहीं, 5 के साथ भी हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर इसके बाद 6 7 8 9 के साथ नहीं होगा, और ये खुद के साथ मतलब 10 के साथ भी हो जाएगा।
तो अब ये देखें इसमें कौन से फैक्टर जो है वो जो कॉमन है, एक तो है वन, फिर इसके बाद एक है फाइव जी। अब ये देखें यहां पे तो हमारे पास टू जो है वो इसके फैक्टर जो है वो इसमें तो दो नंबर है, एक तो वन है और एक फाइव है। इसका मतलब है कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। जिसका को प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जिनके फैक्टर में सिर्फ एक ही कॉमन हो और वो वन हो, और जो हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं होते उनमें जो है वो दो से ज्यादा नंबर जब कॉमन आ जाए तो वो को प्राइम फैक्टर नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे फाइव फाइव एंड टेन आर नॉट को प्राइम नंबर्स जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के वो आपने खुद घर में जो है वो उन्हें इसी तरह से चेक करना है, उनके फैक्टर्स बना के और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है। लेकिन डायरी जो है वो देखिए जरा, डायरी आपने करनी है इसकी क्वेश्चन नंबर फाइव, इसका बी और सी पार्ट आपने एज अ होमवर्क, बी और सी पार्ट आपने होमवर्क करना है। ये बी है और ये सी पार्ट जो है ये आपने होमवर्क करना है। और वन डेफिनेशन किसकी, को प्राइम की जो मैंने अभी आपको पहले स्टार्ट में करवाई है वो आपने डेफिनेशन लर्न करनी है और अपने पेरेंट्स को याद करके सुनानी है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।